गन्ने की रोग मुक्त नवीनतम प्रजातियों की बुआई के साथ खेत में दलहनी तिलहनी और सब्जियों की ये फसलें खेती करके किसान भाई दोहरा लाभ पा सकते हैं। ये बात सिकसरिया चीनी मिल बिसवा के वरिष्ठ वैज्ञानिक व सलाहकार डॉक्टर राम कुशल सिंह ने चीनी मिल क्षेत्र के सिरसी सरैया गांव के किसान राजकुमार वर्मा के गन्ने के खेत पर आयोजित किसान गोष्ठी में मौजूद गन्ना किसानों को बताई। डॉक्टर राम कुशल सिंह ने कहा कि अधिक लाभ पाने के लिए गन्ने की नवीनतम रोग मुक्त प्रजातियां जिनमें COS 15023, CLK 14201, CO 13235, CO 118 की बुआई खेत में सीधी लाइन से ही करें। सीधी लाइन से गन्ने की बुआई करने से तेज हवा चलने की गन्ना में उपज गिरने से बचेगी। गन्ने में मटर, मूंग, चना, अलसी, सरसों, मसूर, उड़द, जौ, लहसुन, प्याज, धनिया, आलू, गाजर, गोभी आदि की सब फसली खेती करके दोहरा लाभ किया जा सकता है। रासायनिक खादों और कीटनाशकों की जगह देसी गाय की गोबर और मूत्र के उपयोग से बनने वाली जैविक खाद और जैव कीटनाशकों के उपयोग से हमें स्वस्थ फसल मिलती है। वहीं खेत की मिट्टी का स्वास्थ्य भी अच्छा बना रहता है। खेत की मिट्टी में पाए जाने वाले मित्र कीटों के साथ केंचुआ, जिसे हम प्रवृत्ति का हलवाफा भी कहते हैं, उनकी संख्या तेजी के साथ बढ़ती है। हमारी धरती माता बंजर होने से बचेंगी और हमें जीवन पर्यंत खेती में भरपूर उपज मिलती रहेगी। गोष्ठी में मौजूद किसानों को देशी गाय के गोबर और मूत्र के उपयोग से बनने वाले जीवामृत घन जीवामृत के साथ जैव कीटनाशक का प्रदर्शन किया गया और इन्हें बनाने की विधि किसानों को बताई गई।